लीजिए एक बार फिर एसएमएस स्टेडियम जयपुर से मैं गजानन बेहतरीन कवरेज लेकर हिमाचल प्रदेश बनाम तेलंगाना। देखिए टीम कोच, टीम प्रभारी, समय शारीरिक शिक्षक, टीम के कप्तान हर्षप्रीत, उनके साथ तमन्ना, और यहाँ देखिए मध्यांतर में इस समय सोमा बहुत बेहतरीन सितारों से सजी है, एक से बढ़कर एक हिमाचल प्रदेश की यंग स्टार इस वक्त तेलंगाना के सामने चुनौती पेश करने के लिए। और यह है निर्णायक दल, इस समय जो आप देख पा रहे हैं स्वाईमान सिंह स्टेडियम इंडोर से इस समय जो कबड्डी कोर्ट बनाया गया है, ऑफिशियल जो कि निर्णायक की भूमिका में बेहतरीन भूमिका अदा करते हुए और काफ़ी पारदर्शिता के साथ रोल अदा किया। और यह है तेलंगाना इस समय, देखते हैं कैसे चुनौती स्वीकार करता है इस समय हिमाचल प्रदेश के सामने। बड़ा मुकाबला, इस वक्त टॉस हिमाचल प्रदेश की कप्तान इसमें हर्षप्रीत और उनके सामने तेलंगाना जो कि नया राज्य। देखते हैं सिक्का यहाँ किसकी तरफ घूमता है, उछाल दिया गया है और यहाँ आखिर हिमाचल देवभूमि ने टॉस जीता। सो इस हमेशा की तरह बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम। लीजिए खेल शुरू, इसी के साथ तेलंगाना पहली रेड के ऊपर चला है, हिमाचल परंपरागत अंदाज में पिछले मुकाबले में शानदार। और यहाँ मध्यांतर में डाई लगाते हुए बेहतरीन टेकल और इस खूबसूरत टेकल की बदौलत खाता खोलने में कामयाब हिमाचल प्रदेश देवभूमि इस समय। और तमन्ना चले हैं इस समय 12 नंबर में, कोशिश करने वालों की तमन्ना लाख होती है, यहाँ एक ही तमन्ना होगी कि आखिर बेहतर खेल की बदौलत दूसरा मैच भी जीत लिया जाए। पहला रेड हिमाचल का डिफेंस तो बहुत बेहतरीन रहा था पिछले मैच में, लेकिन यहाँ आप देखते हैं तमन्ना अच्छी खासी हाइट, ऊंचा लंबा कद, भरपूर फायदा उठाना चाहेंगी बोनस के साथ। लीजिए स्कोर में वर्दी मातृ शक्ति को प्रणाम करने के बाद तेलंगाना इसमें 9 नंबर जर्सी में, तेलंगाना के सामने चुनौती बेहद कठिन इस वक्त। इससे पहले जो बेहद रोमांचक मैच खेला गया था उसमें शानदार तरीके से राजस्थान ने जीत दर्ज किया, और यहां शानदार टेकल, वही पुनरावर्ती, बोनस तक जरूर पहुंचा, खाता खोलने में कामयाब, लेकिन एक पॉइंट का इजाफा इधर हिमाचल को भी। हिमाचल की हलचल इस समय, शुरू टीम के कप्तान हर्षप्रीत पहली रेड लेकर इस वक्त बहुत बेहतरीन तरीके से खेल को आगे बढ़ाता हुआ हिमाचल, और प्रबल दावेदार है इस चैंपियनशिप की, मजबूत टीमों में से एक, एक और पॉइंट अर्जित करते हुए इसमें कप्तान के रूप में सफलता पाई। स्कोर बढ़ता हुआ 3 जा पहुंचा, जबकि 4 माफ कीजिए, जबकि एक पे रुका हुआ तेलंगाना, और यहां बेहतरीन तरीके से एंगल होल्ड और साइड लाइन से बाहर भेजा राइट कॉर्नर से। इस वक्त अपनी ताकत झोंकता हुआ, मुश्किलें बढ़ती हुई हर्षप्रीत सुपर टेकल का फायदा उठाना चाहेंगे, 3 के डिफेंस में मुश्किलें बढ़ती हुई लगातार कंटिन्यू। हर्षप्रीत की जितनी तारीफ करें उतनी कम है उभरती हुई उदयमान खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश की होनार लाडली बेटी, इस वक्त सेल्फ आउट एक खिलाड़ी, तोहफे के रूप में एक पॉइंट मिला है। समय की नजाकत को देखते हुए सेफ ही वापस हिमाचल, मुश्किलें शुरुआती समय में दिखाई देने लगी हैं तेलंगाना की, क्योंकि हिमाचल जितनी प्रशंसा करे उतनी कम, तालमेल कमाल का। और यह देखिए यहाँ बड़ी रेड इस वक्त सोमा ने छलांग लगाते हुए शिकार करने की कोशिश की, लेकिन 2 पॉइंट के साथ तेलंगाना की घर वापसी। हर्षप्रीत ही चले हैं 6-3 के स्कोर में, 3 अंक की बढ़त तेलंगाना डाल तो वहीं हिमाचल 5-5 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाता हुआ बैक टू बैक टॉस जीता, और उसके बाद अच्छी शुरुआत है। यहाँ नियंत्रण अच्छा, कहीं लोबी में ना चले जाएं, आउट ऑफ बाउंस पॉइंट कई बार गंवा देते अक्सर खिलाड़ी। 67th नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 इस वक्त, लेकिन खामोशियों में तेलंगाना दिखाई देता हुआ 3 अंक पीछे है मुकाबले में। तमन्ना एक बार फिर से देखिए स्टार टॉल गर्ल इस वक्त, और भरपूर इस्तेमाल करती हैं अपने कद का, खेल भी इनका बड़ा है, हाइट भी अच्छा खासा। 4 के डिफेंस में तेलंगाना, देखते हैं कॉर्नर पे, और यहाँ बड़ी रेड हो सकती थी लेकिन वक्त गुजार दिया, उसी एक्शन से आगे बढ़ती लक्ष्य तक पहुँच सकती थी, लेकिन पकड़ चुंबक की तरह काफ़ी मजबूत इस वक्त तेलंगाना के, 3 से बढ़कर 4, जबकि 6 के ऊपर हिमाचल। अब 4 के डिफेंस में इधर से दिखाई देने लगा हिमाचल, हिमाचल की हलचल में देखते हैं यहाँ
कोई बड़ा डिफेंस दिखाई देता है कि गलती की है, 102 पॉइंट यहां गवाए। टीम के कप्तान हर्षप्रीत को भी बाहर जाना होगा और 2 पॉइंट की बदौलत मैच में वापस स्कोर लेवल क्या वापसी की है तेलंगाना ने। और ये और कॉन्फिडेंस में शायद पॉइंट गवाए है कहीं ना कहीं, तो गलती महंगी पड़ सकती है इस वक्त। 9 नंबर में सुपर टेकल में दिखाई देगा, इसलिए पॉइंट हर हाल में चाहिए। मुश्किलें बढ़ती हुई, बोनस लेने में कामयाब है, एक अंक की मामूली लीड, लेकिन यहां मुश्किलें बढ़ती हुई सुपर टेकल से। और तेलंगाना चुनौती स्वीकार करता हुआ हिमाचल की शुरुआती समय में जो गलतियां की उसको भुनाना चाहेगा। यहां से बाहर निकलते हुए कैच करता तो फिर बढ़त मजबूत होगी, लेकिन जोखिम से बचने की कोशिश दोनों ही साइड से। स्वाइमान सिंह स्टेडियम गुलाबी नगरी जयपुर, इस समय 67th नेशनल गेम्स स्कूल अंडर 17 गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24। खेल का रोमांस बढ़ता हुआ है दूसरा दिन चैंपियनशिप का। खिलाड़ी अपना कौशल दिखाते हुए, अपना हुनर आजमाते हुए अपने अपने प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए बोनस लेने के साथ ही अब बढ़त 2 अंक की हिमाचल की। बोनस भी ताकत का ही हिस्सा है हिमाचल का, पॉइंट मिले या ना मिले लेकिन बोनस के रूप में ही सही। 2 का डिफेंस है पिछली रेड की भांति इस वक्त भी, और यहाँ देखते हैं कैच कर पाते हैं कि नहीं। टेकल मजबूत चाहिए, एक बार फिर से गलती से बचने की कोशिश तेलंगाना। समय की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ही वापस हिदायत दी गई है। इस समय केवल कैप्टन ही कंट्रोल करे और अच्छे दिशा निर्देश सांस लेना चाहिए इस वक्त, क्योंकि काफी देर से सुपर टेकल में है हिमाचल। तो 9 नंबर को बोनस पे फिर से बढ़ता हुआ यहाँ करतल धवन, इस बात का संकेत कि क्लियर है इस एंगल से जो देखने को मिला। जी हाँ, बोनस पॉइंट के साथ 2 अंक, और अब देखिए फिर से वापस मैच में मजबूत दिखाई देता हुआ हिमाचल। डुओ डाई रेड भी है, सुपर टेकल भी, मजा आएगा रेड में। और यहाँ देखिए अक्षरा कोटस का दावा किया है, देखते हैं कि 10-6 का स्कोर, और यहाँ अक्षरा को अक्सर बाहर भेज दिया तेलंगाना ने। बड़ी देर के बाद इजाफा तेलंगाना के स्कोर शीट में, लेकिन सुपर टेकल से फिर बाहर निकलना चाहेगा। 2 के डिफेंस में है हिमाचल, इसलिए फिर से कोशिश पॉइंट बटोरने की, चांस लेना चाहिए। अच्छा कौशल और बोनस का प्रयास फिर से सफल होना चाहिए स्कोर में वर्दी, लेकिन सुपर टेकल हिदायत दी गई है बैक कॉल के रूप में, जो गलती कर रहे थे डिफेंडर हिमाचल के 7-11 के स्कोर में। और यहां गलती की है सुपर टेकल से पॉइंट चुराने में कामयाब तेलंगाना। अब स्कोर बढ़ता हुआ 8, ऑल आउट का खतरा अंतिम बाले का, यहां तेलंगाना के पास वापस लौटने का मौका, पूरी कोशिश होगी कैच करने की। और यहां जोखिम के लिए जाना ही होगा, और कोई चारा नहीं। बोनस से ऑन रखा है, बिल्कुल खुला छोड़ रखा ताकि कैच किया जाए, पॉइंट बचाने की कोशिश। पांव से पांव छू लिया यहां से, बिल्कुल सही वक्त पे बोनस के साथ पॉइंट, कुल मिलाकर 2 अंक। बहादुर खिलाड़ी इस समय हिमाचल की, देखिए हिम्मत हर इंसान को बलवान बनाती है और हिम्मत बरकरार है हिमाचल की। तो यहां टेकल करना चाहेगा, अरे वाह भाई वाह, मौका बनाने के बावजूद गलती की, चौका लगा दिया, ऑल आउट करता हुआ इस समय तेलंगाना हिमाचल को पहली बार इस मैच में। और इस ऑल आउट के साथ ही रोमांच होता हुआ मैच, हर्षप्रीत चली टीम की कप्तान 13-12 के स्कोर में, 1 अंक की मामूली बढ़त है हिमाचल के पास, लेकिन ऑल आउट की वजह से मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं तेलंगाना आगे पिछड़ने के बावजूद जो वापसी की है लाजवाब। तो गलतियों में सुधार की गुंजाइश है इस समय हिमाचल, बोनस के साथ ही अब बढ़त 2 अंक की, और इस 3 नंबर की दाद देनी होगी, मजबूत डिफेंस की आवश्यकता। बोनस का प्रयास किया है, देखते आखिर कॉर्नर पे हर्षप्रीत, जबकि राइट कॉर्नर पे अक्सरा, मध्यांतर में सोमा और तमन्ना, बोनस लेने में कामयाब। इधर से भी बोनस का इजहार
एक अंक के साथ है। अब 14-12 के स्कोर में दिखाई देता हुआ 13-14 का, माफ कीजिएगा, फिर से बॉलर्स की पुनरावृत्ति और पॉइंट कुल मिलाकर 2 अंक। तेलंगाना चुनौती स्वीकार की और संघर्ष बेहतरीन किया है बॉनस के लिए, फिर से प्रयासरत। राइट कॉर्नर से देखते हैं आखिर टीम के कप्तान, और यहां ब्लॉक को तोड़ते हुए पहुंची सोमा को शर्मिंदा किया, एक अंक बटोरते हुए बाहर भेजा सोमा को। और इस समय स्कोर देखिए लेवल होता हुआ कहीं ना कहीं 14 तेलंगाना, और यह पलक झपकते ही शिकार किया इस वक्त बड़ी कैच यहां पे मध्यांतर में, और एक के बाद एक देखिए हिमाचल 16 जबकि तेलंगाना 15, एक अंक की बढ़त हालांकि कायम है लेकिन बेहद रोमांचित कर देने वाला ये मैच है। लेकिन इधर से शायद गलती की है तमन्ना ने, इस बार जो मजबूत रेडर थी। स्कोर 16 each, दोनों टीमें 16-16 से, कहना मुश्किल आखिर जीत किसकी होगी। पिछले मैच में जिस प्रकार से हिमाचल ने जीत दर्ज की थी, लग रहा था मैच से पहले कि तेलंगाना को आसानी से पराजित कर पाएगा, लेकिन तेलंगाना भी कम नहीं, कहना मुश्किल आखिर किस करवट बैठेगा बोनस लेने में कामयाब। बोनस भी काफी मजबूत हिस्सा इस समय हिमाचल का, बहुत ही शानदार खेल का नजारा इस वक्त स्वाइमान सिंह स्टेडियम में। और यहां चकमा दिया 2 खिलाड़ियों को, अक्षरा और 6 नंबर को बाहर भेजा, और पहली बार बढ़त पे इस वक्त तेलंगाना। मैच में देखे करीब 11 मिनट का खेल हो चुका है और पहली बार बढ़त बनाने में कामयाब तेलंगाना। एक बार ऑल आउट भी किया है हिमाचल को 18-17 के स्कोर में। तेलंगाना एक अंक की बढ़त, हिमाचल झूझता हुआ, ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा। बोनस जरूर अर्जित किया लेकिन सुपर टेकल का संकट हिमाचल की हलचल में। अब यहां 3 नंबर से फिर प्रयासरत होंगी पॉइंट बटोरने की, यहां से अंक गंवाया तो दूसरी बार ऑल आउट का खतरा दिखाई देगा हिमाचल के लिए, इसलिए जरा संभल के। और ये लीजिए गलती को फिर से पुनरावृत्ति, 3 नंबर ने 3 नंबर को ही बाहर भेजा, अपने ही अंक को पसंद किया और अर्जित कर लिया एक अंक। शायद 3 नंबर उनके लिए लकी है और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये साबित भी किया। अब बढ़त देखिए फिर से तेलंगाना के पास एक अंक की, 19-18 के स्कोर में। अंतिम खिलाड़ी इस समय हिमाचल का, जोखिम के लिए जाना ही होगा और कोई उपाय नहीं। जो जो समय बढ़ रहा है दबाव बढ़ता हुआ, और यहां ब्लॉक करने की कोशिश है कामयाब। ऑल आउट, दूसरी बार ऑल आउट किया है तकरीबन 13 मिनट के खेल में तेलंगाना ने हिमाचल को। बॉन्स जरूर अर्जित किया लेकिन बढ़त देखिएगा इस समय तेलंगाना की, 22 तेलंगाना जबकि 19 हिमाचल, 3 अंक की बढ़त जो बनाई है। 2 बार ऑल आउट किया, मनोवैज्ञानिक रूप से भी आगे है तेलंगाना। तेलंगाना की तालीम में क्या ये बोनस जाएगा? हिमाचल थोड़ा सा निराश होता हुआ, क्या शुरुआत समय में जो गलती की उससे दबाव में आ गया है, और यहाँ इस प्रकार की गलती कहीं बाहरी ना पड़ जाए, खासकर डिफेंस के रूप में जो गलतियाँ की हैं। बोनस के साथ ये देखिए स्कोर में वर्दी टीम के कप्तान हर्षप्रीत, इस समय हर्षोल्लास के साथ नैसर्गिक अंदाज में, इत्मीनान के साथ, चित परिचित अंदाज में पॉइंट अर्जित करना चाहेंगे, नहीं तो दबाव बढ़ता जाएगा फिर हिमाचल के ऊपर जो जो खेल आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहले आपका खेल ज़्यादा नहीं शेष इस वक्त। बोनस के साथ देखिए कप्तान बढ़त को कम करती हुई, 20-23 का स्कोर, 3 अंक की बढ़त तेलंगाना के, और बोनस यहां भी अर्जित किया। देखिए कितना आत्मविश्वास नजर आया, काफ़ी देर तक पाँव बोनस लाइन से अंदर था और सिर्फ हिमाचल देखता रहा, इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाया कि वो उसे कैच कर पाए, और ये हौसला खोता हुआ इस बात का संकेत अच्छा नहीं हिमाचल के लिए। हर्षप्रीत चली है, टाइम आउट में क्या मंत्रणा रही होगी दोनों टीमों की, पहले आपका खेल बिल्कुल समाप्ति मोड़ पे। बोनस है हिमाचल की झोले में,
तो हर्षप्रीत की दाद देनी होगी टीम के कप्तान जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए शानदार भूमिका। और यहां टेकल मजबूत है इस समय, तमन्ना ने बेहतरीन अंदाज से कैच किया। तमन्ना ही आगे बढ़ी है, बेहतरीन रेडर उतनी बेहतरीन डिफेंडर भी, हर क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देती हुई एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पे बोनस का प्रयास। देखते हैं कितनी सफल रहती हैं। स्कोर इस समय 23-22, सिर्फ एक अंक पीछे है हिमाचल। मौका है वापसी करते हुए बढ़त बनाने का। इसी के साथ मिड टाइम, हाफ टाइम का समय, हाफ टाइम के समय स्कोर है इस समय हिमाचल 22 जबकि तेलंगाना 23। एक अंक की मामूली बढ़त है और जिस प्रकार से शुरुआती समय में जो गलती की उस गलतियों को देखते हुए अंडर प्रेशर दिखाई दे रहा है इस समय हिमाचल, और दूसरे हाफ में ज़रूर वापसी करना चाहेगा। गाइडेंस लगातार तमाम कोच और शारीरिक शिक्ष के द्वारा टीम पर भारी। देखते हैं आखिर इस गाइडलाइन का कितना लाभ उठा पाता है देवभूमि हिमाचल प्रदेश। आपको बता दें हाफ टाइम के स्कोर इच था 23-23 लेवल, और दूसरे हाफ का खेल का मजा लीजिए। अब टीम की कप्तान ही चली है हर्षप्रीत बोनस के प्रयास में, जिसका अंक जाएगा बढ़त उसी की होगी, क्योंकि पहले हाफ में 23-23 इच था, माफी चाहूँगा 22-23 नहीं था। और यहाँ बोनस के साथ बढ़त हिमाचल प्रदेश, हिमाचल 24 जबकि तेलंगाना 23, लेकिन तराजू की तरह बेहद कांटे की टक्कर, पलटे बराबर इस पॉइंट के साथ ही वापस बराबरी पे स्कोर 24-24। आखिर देखते हैं किसके सर पे होगी ये जीत इस मैच में, कभी उधर तो कभी इधर। कुदरत के ये नज़ारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। तमन्ना हाइट का भरपूर इस्तेमाल करती हुई, देखते हैं कितना बड़ा खेल वो दिखा पाती हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा रोमांच और मजबूत होगा, बिल्कुल दोनों पलटे बराबर 24-24, बेहद रोमांचक, अब तक का सबसे दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला मैच तेलंगाना बनाम हिमाचल देवभूमि। और यहां लक्ष्य तक पहुंचते भी तेलंगाना की रेडर बड़ी रेड, 2-3 पॉइंट होंगे यहां मुसीबत में इस समय हिमाचल, 2 पॉइंट यहां अर्जित करने में कामयाब, और बढ़त पुनः तेलंगाना की ताले में 26-24 के साथ, जबकि हर्षप्रीत। और यहाँ पुष्कर ने कोशिश, पहुंच गई लक्ष्य तक लॉबी के माध्यम से ही सही, बोनस के साथ कुल मिलाकर 2 अंक वापस। देखिए स्कोर 26-26 लेवल होता हुआ, हालांकि जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी उसी रफ्तार से डिफेंडर ने भी धक्का देने की कोशिश की, लेकिन समय रहते लॉबी के माध्यम से हाथ को आगे बढ़ाया, 2 स्कोर के साथ वापस मैच में लौटता हुआ 26-26 बोथ टीम। बेहद कांटे की टक्कर, कभी उधर तो कभी इधर, कहना मुश्किल आखिर कौन सी टीम बाजी मारती है इस मैच में। समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए सेफ ही वापस तेलंगाना। हर्षप्रीत सबसे मजबूत रेडर और उतनी बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन कैप्टनसी, पिछले मैच की तुलना में थोड़ा सा डिफेंस कमज़ोर है यहाँ, लेकिन यहाँ मौका नहीं गंवाएगी अब हर्षप्रीत। बढ़त हुआ अंक देखिए 27 स्कोर बढ़ता हुआ, इसके साथ ही 1 अंक की लीड, मनोवैज्ञानिक लाभ होगा जिस टीम के पास बढ़त होगी, क्योंकि रोमांचक मैच में बढ़त 1 अंक की हो भले ही छोटी हो, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक लाभ होता है, और जब कांटे की टक्कर हो तो बड़ी जीत नहीं होती, फिर बड़े अंतर से 1-2-3 पॉइंट के अंतर से ही ज़्यादातर जीत देखने को मिलती है। समय व्यतीत करता हुआ इस समय तेलंगाना, तो तेलंगाना को ज़्यादा जाया नहीं करना चाहिए समय। बोनस के साथ है फिर से 27-27 स्कोर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक बार उधर एक बार इधर। सुनील जी शर्मा ऑफिस असिस्टेंट अंपायर और उनके साथ राजेश जी जाट, और यहाँ मौका बनाने की कोशिश, टच पॉइंट मिलेगा यहाँ, 2 अंक मिलने चाहिए। जी हाँ, ईमानदारी का परिचय दिया तेलंगाना की डिफेंडर ने। हिमाचल अब 2 अंक की बढ़त पे, तो इस वक्त मौका है ऑल आउट करने का, क्योंकि 3 का डिफेंस और बड़ा रेडर नहीं तेलंगाना के पास शिकार
करते हैं, देखते हैं मजबूत डिफेंस आई है और यहाँ कामयाब। अब बढ़त बनाना शुरू कर दिया है हिमाचल ने, टीम की कप्तान खुश तालियों से, हौसला अफजाई तमन्ना एंड टीम की। सुपर टेकल से अब ऑल आउट का हिसाब सुख्ता करना चाहेगा, देखते हैं दो के डिफेंस में। और यहाँ अब जो ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए, सिर्फ एक अंक से दबाव में आता हुआ तेलंगाना बढ़त देखिएगा। अब तीन अंक की हो चुकी है और जैसे ही ऑल आउट करता है तो बढ़त पांच से छह अंक की दिखाई देगी। और यहाँ पहले ही प्रयास में शानदार टेकल एंगल होल्ड कॉर्नर पे, और पहली बार ऑल आउट किया है यहाँ पे हिमाचल ने तेलंगाना को, तीन पॉइंट के साथ 32 पे जा पहुंचा, जबकि बोनस से भी चूका तेलंगाना 34-27, 7 अंक की अच्छी खासी लीड हो चुकी है इस वक्त हिमाचल के पास। और जैसे ऑल आउट किया बढ़त भी बनी और हौसले भी बुलंद तमन्ना। यहाँ थोड़ा सावधानी से खेल को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि दूसरे आपका खेल, और जो खेल आगे बढ़ेगा तेलंगाना के ऊपर बढ़त का दबाव होगा। बोनस का प्रयास किया है, फिर से देखते हैं आखिर यह निर्णायक बोनस लेने में कामयाब है हिमाचल। अब 35 स्कोर 35, जबकि 27 पे अटका हुआ तेलंगाना। जोखिम उठाने की आवश्यकता, थोड़ा क्रम खेल चाहिए। और यहाँ बोनस का प्रयास किया, देखते हैं आखिर तमन्ना को छू लिया टच पॉइंट, बोनस नहीं, लेकिन हर्षप्रीत हौसले बुलंद, भूरी भूरी प्रशंसा की पात्र खासकर टीम की जो कप्तान हर्षप्रीत। और यहाँ बोनस का प्रयास किया और टच पॉइंट भी मिलेगा शायद, देखते हैं रेफरी का निर्णय, देखते हैं क्या रहता। बोनस के साथ पॉइंट, दो अंक का फिर से इजाफा स्कोर में, और बढ़त मजबूत बनाता हुआ इस वक्त हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतरीन फॉर्म में, जितनी तारीफ करें उतनी कम। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ, बनाए कोई बुर्ज पे चांद एक खलीफा, अरे हम तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। जी हाँ, इस वक्त हर्षप्रीत एक बार फिर यहाँ कॉर्नर पे दाएं हाथ आगे बढ़ाए है, मिलेगा टच पॉइंट, ईमानदारी का परिचय। काफी सुखद स्थिति में इस वक्त दो पॉइंट का इशारा आता हुआ इस बीच यहाँ पे, इसीलिए ईमानदारी का परिचय दिया था ताकि दूसरा पॉइंट ना गंवाना पड़े, गुमराह करना चाहते थे शायद डिफेंडर, लेकिन निर्णायक की शानदार भूमिका, जितनी तारीफ रही उतनी कम। और विशाल बढ़त की ओर शुरू दूसरे हाफ में, काफ़ी ज़्यादा बेहतर इस समय हिमाचल का खेल। और यहाँ लीजिए फिर से पॉइंट जरूर मिला है बड़ी देर के बाद तेलंगाना को, 30 पे पहुँचता हुआ, लेकिन 9 अंक की बढ़त हिमाचल की हलचल में, 5 के डिफेंस में इस समय टीम के कप्तान हर्षप्रीत। बोनस ऑफ थोड़ा मुश्किल बना, और यह थाई होल्ड, अरे वाह भाई वाह, कॉर्नर पे ज़्यादा आगे चली गई और अपने ही जाल में फंसी, शायद ऊपर से छलांग लगाते हुए बीट करना चाहती थी डिफेंडर को, लेकिन वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ इस समय तेलंगाना 8 अंक पीछे है मुकाबले में। दूसरे आपका खेल करीब 8 मिनट का, यहाँ और अंक गंवाता हुआ गलती करते हुए, यहाँ कहीं ना कहीं गलती कर दोहरा रहा है इस समय, जैसे पहले हमें गलती दोहराई थी। टाइम आउट तेलंगाना, तमन्ना एक ही तमन्ना है, बस गलती ना करें और पॉइंट अर्जित करते हुए बढ़त को कायम रखें। अच्छा प्रयास, दो बार बोनस का ट्राई किया है, देखते हैं कितने सफल रहते हैं। तीसरी बार ट्राई किया और यहाँ मिलेगा शायद बोनस, कोशिश करने वालों की तमन्ना लाख होती है। हिमाचल बोनस के साथ बढ़त को मजबूत बनाए हुए, लेकिन डिफेंस सिर्फ 4 का ही इस वक्त, यहाँ से गलती की तो मुश्किलें बढ़ेंगी फिर। 40-32 8 अंक की लीड, और यह मौका है लेकिन डिफेंडर को बीट करते हुए लक्ष्य तक पहुंची तेलंगाना की रेडर, दाद देनी होगी 3 नंबर में। और बड़ी बहादुरी के साथ चुनौती को स्वीकार किया, पहले आपने 2 बार ऑल आउट किया था तेलंगाना, आपको बता दें
हिमाचल प्रदेश को तेलंगाना ने, और दूसरे हाफ में हिमाचल ने तेलंगाना को ऑल आउट किया। लेकिन बढ़त इस समय सात अंक की देवभूमि हिमाचल की, समय बिताना चाहेगा लगभग हर अड पे, जैसे बढ़त और जिस टीम के पास बोनस के साथ बढ़त एक बार फिर आठ अंक की। और ये देखिए इस समय स्टार तेलंगाना की यंग उदयमान खिलाड़ी, और यहाँ बड़ी रन होगी, दो पॉइंट होने चाहिए, गलती की है, ऑल आउट की कगार पे जाता हुआ इस समय हिमाचल, और वापस मैच में लौटता हुआ। यहाँ से अब सिर्फ सोमा ही बची है, सोमा देखते हैं किस प्रकार से, सुरमा भी खेलती है, रेड का बोनस बिल्कुल ओपन रखा है, दस पॉइंट मिलेगा शायद मध्यांतर में, बोनस तक भी पहुंची, जी हाँ बोनस के साथ टच पॉइंट, दो अंक का इजाफा। तो ये अच्छा कार्य किया ऑल आउट से बचता हुआ अभी भी, अक्सरा एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे सोमा टेकल करता है कि नहीं देखते हैं, टच पॉइंट यहाँ शायद अक्सरा को हल्का सा शायद हाथ लगा है, गलती हिमाचल की होनी चाहिए, यहाँ एक बार फिर से सोमा आगे बढ़ती हुई, स्कोर देखिए 36 है, और यहाँ दीवार को तोड़ने का प्रयास भरपूर था लेकिन चट्टान की तरह सामने आए, और मैच में कुल मिलाकर तीसरी बार ऑल आउट करता हुआ तेलंगाना हिमाचल को इस ऑल आउट के साथ ही रोमांच होता हुआ मैच, 39-43 सिर्फ चार अंक की बढ़त है इस समय हिमाचल के पास, कहीं गलती तो नहीं कर रहा, सिर्फ हिमाचल ने एक बार ऑल आउट किया तेलंगाना को, लेकिन तेलंगाना ने तीन दफे ऑल आउट करते हुए मैच को रोमांच किया, अंतिम चार मिनट का खेल बाकी, चार अंक की ही बढ़त है हिमाचल के पास, हर्षप्रीत टीम के कप्तान, बेहतरीन कैप्टनसी, उतने ही शानदार रेडर, बोनस का शानदार प्रयास, और यहाँ देखते हैं टच पॉइंट मिलेगा कि नहीं, कॉर्नर के ऊपर बोनस का भी प्रयास था, बोनस के साथ मजबूत, कप्तान की जितनी तारीफ करें उतनी कम। यहाँ चौपट्टा मारा है लेकिन शायद गुमराह करने की कोशिश की है, यहाँ और कॉन्फिडेंस शायद तेलंगाना, सिर्फ बोनस लिया है, और यहाँ और बोनस के साथ पॉइंट भी दिया गया है ऑफिशियल टाइम आउट लेते हुए, रोमांचक पॉइंट पे मोड पे मैच, और यहाँ मिलेगा पॉइंट, फिर से गलती को स्वीकार किया है इस समय कॉर्नर पे, शायद देखते हैं हर्षप्रीत कितनी सफल रहती है, 45-42 का स्कोर है, और मिलेगा जी हाँ बढ़त फिर से चार अंक की, समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, 42-46 यानी चार अंक की बढ़त बना रहा है इस वक्त हिमाचल, और बेहतरीन टैकल मध्यांतर में, वाह भाई वाह, अब क्रूशियल टाइम में ऐसा ही डिफेंस चाहिए हिमाचल ताकि लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सके, समय भी तेजी से समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और बढ़त पांच अंक की, तो यहाँ मुश्किलें बढ़ती हुई तेलंगाना की, भले ही तीन बार ऑल आउट किया हिमाचल को, लेकिन यहाँ हर्षप्रीत का कोई जवाब नहीं, की बढ़त है इसके साथ ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और ये देखिए फिर से वही पुनरावृत्ति, एंगल होल्ड कॉर्नर पे हिमाचल का जवाब नहीं, और सही वक्त पे संभाल लिया है हिमाचल ने अपने आप को, देवभूमि सुपर टेकल में इस समय तेलंगाना, अंतिम लगभग दो मिनट का खेल शेष, सात अंक की लीड, और यहाँ दो पॉइंट मिलेंगे, शानदार मुजाहिरा, ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है, अब यहाँ इस ऑल आउट के साथ ही जीत तय होगी हिमाचल की, क्योंकि बढ़त काफ़ी मजबूत और समय भी ज़्यादा नहीं इस वक्त, और बेहतरीन तरीके से ब्लॉक किया है इस वक्त ऑल आउट, दूसरे हाफ में दूसरी बार ऑल आउट करता हुआ, और यहाँ मैच निर्णायक मोड पे, स्कोर की अगर बात करें तो 54 हिमाचल, वहीं तेलंगाना 42 पे रुका हुआ, यानी कि 12 अंकों की बहुत बड़ी लीड, और अब चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता तेलंगाना को, हालांकि बेहतर खेल दिखाया, तीन बार ऑल आउट भी किया हिमाचल को, लेकिन अंततः बाजी यहां हिमाचल जीतता दिखाई दे रहा, अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष,
और जीत सुनिश्चित है इस वक्त। इससे पहले मैच में भी हिमाचल ने गुजरात को पराजित करते हुए जीत दर्ज की थी, बोनस अर्जित करने में कामयाब। 55.55 स्कोर, ये संभवतः है कि अंतिम रन होगा, समय की नजाकत तय करेगी। और यह एंगल होल्ड आसानी से स्वीकार किया आमंत्रण को, बायां दायां पैर आगे बढ़ाया था और राइट कॉर्नर पे कैच करने में कामयाब। ये अब अंतिम रन होगी संभवतः। 56 इंच का सीधा इस समय हिमाचल 56, जबकि 42 पे रुका हुआ बड़ी देर से। और यहाँ टच पॉइंट नहीं, बोनस अर्जित करने में कामयाब। ये अब अंतिम रन होगा, समय बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे। 57-42, 15 अंकों की विशाल लीड हिमाचल के पास। लक्ष्य तक जरूर पहुंचा है तेलंगाना, एक पॉइंट, लेकिन इसी के साथ समय यहां समाप्त होना चाहिए, लेकिन कुछ सेकंड बाकी थी इसलिए अब समय बिताने का प्रयास है। तमन्ना लीजिए, इसी के साथ खेल समाप्त। और यहां हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर से पराजित किया है विपक्षी टीम को, जीत दर्ज करता हुआ शानदार तरीके से देखेगा। जहां तेलंगाना सिर्फ 43 का स्कोर कर पाया, वहीं हिमाचल ने 57 का स्कोर किया, यानी 14 अंकों के बड़े अंतर से यहां जीत दर्ज की है। और अगला मैच जैसे ही शुरू होगा, दिल्ली दबंग बनाम गुजरात, देखना ना भूलें। कुछ समय बाद मैं वापस आ रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।